नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी मंगल और आप सभी का एस्ट्रो तक में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एस्ट्रो तक एक बहुत ही खास चैनल है, इसे यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नए नए विषयों की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलती रहे। तो दोस्तों, पुण्य करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम पुण्य कमाते हैं तो हमारी यही कमाई हमारे साथ रहती है, और यदि हम पाप कमाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कष्ट सहना पड़ता है। तो आपने अपने पुण्य को बढ़ाना है। तो राशि अनुसार हम आपको यही चीज़ें बताएंगे कि किन किन चीज़ों से आपको पुण्य मिलेगा। तो शुरू करते हैं राशियों का सिलसिला और शुरू करते हैं मेष राशि के साथ। तो मेष राशि के लोग रक्तदान करें। रक्तदान सबसे बड़ा पुण्य कार्य है आपकी राशि के हिसाब से। इससे आपका क्रोध भी शांत होगा और दुश्मन का भी विनाश होगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी मंगल है और मंगल रक्त का कारक होता है, इसलिए रक्त का दान आप जरूर करें। और अब बात करेंगे वृष राशि की। तो ईश्वर के बनाए गए जीवों पर प्रत्येक इंसान को दया भाव रखनी चाहिए। जो मनुष्य जीव की मात्र की सेवा करते हैं वह ईश्वर की भक्ति जरूर कर सकते हैं। ऐश्वर्य प्रसादन आपके बढ़ेंगे और धन भी आपको मिलने लगेगा। और अब बात करेंगे मिथुन राशि। पीड़ित मानव की सेवा करने से पुण्य बहुत ज्यादा मिलता है, तो इसलिए आप पीड़ित व्यक्तियों की सेवा जरूर करें, अर्थात बीमार व्यक्तियों की सेवा करें। इससे पुण्य आपको जरूर मिलेंगे और स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, जीवन के दुख इससे कम होंगे। और अब बात करेंगे कर्क राशि। तो यदि कर्क राशि आपकी, तो भागवत कथा जरूर सुने या फिर जरूर सुनाएं। ऐसा करने से बहुत जल्दी पुण्य मिलने लगेगा आपको और प्रभु प्रसन्न होंगे। रुके हुए कार्य आपके शीघ्र बनते चले जाएंगे। और अब बात करेंगे सिंह राशि। जरूरतमंदों को, स्कूल में निर्धन व्यक्तियों को और बच्चों को स्वेटर, जूते, जुराब वितरित जरूर करें। ऐसा करने से आपके आर्थिक संकट दूर होंगे और पुण्य की प्राप्ति होगी, व्यापार में भी लाभ होगा। और अब बात करेंगे कन्या राशि। निशक्त एवं वृद्ध जनों की सेवा जरूर करें, अन्न का दान करें। ऐसा करके आप पुण्य कमा सकते हैं, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा और नौकरी में भी तरक्की होगी। रुके हुए कार्य आपके पूरे जरूर होंगे। और अब बात करेंगे तुला राशि की। तो तुला राशि यदि है आपकी, तो गरीब बच्चों को आप किताबें वितरित करें, यह सबसे बड़ा पुण्य कार्य है, धन इससे बढ़ेगा और व्यापार में भी लाभ होगा। और यदि वृश्चिक राशि है आपकी, तो रक्त का दान आप करें, यह आपके लिए सबसे बड़ा पुण्य है। इससे आपका अपना स्वास्थ्य ठीक रहेगा और परेशानियां खत्म होंगी। बात करेंगे धनुराशि। माता पिता की सेवा से परम पुण्य मिलता है, तो माता पिता की सेवा जरूर करें। इससे आपके ग्रह शांत होंगे और चिंताएं समाप्त होंगी। बात करेंगे मकर राशि की। तो साधनहीन व्यक्तियों को भोजन जरूर कराएं, वहां कंबल प्रदान करें। ऐसा करके आप बहुत सारा पुण्य कमा सकते हैं, अचानक आपको इससे धन मिलेगा और नौकरी में भी तरक्की होगी। और अब बात करेंगे कुंभ राशि की। तो गर्मी में जल बहुत ही ज्यादा सेवा का कार्य है, पुण्य कार्य है। पक्षियों को भी जल पिला सकते हैं आप और लोगों को भी जल पिला सकते हैं। इससे मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी और व्यापार में भी लाभ होगा। बात करेंगे मीन राशि की। तो पशु पक्षियों को और मनुष्यों को पानी पिलाने से आपकी बहुत ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। लोक जीवन में पानी पिलाने से, धार्मिक दृष्टि से पानी पिलाना एक पुण्य कार्य है, तो व्यर्थ में धन का खर्च रुकेगा और घर में मांगलिक कार्य होंगे। तो इस प्रकार दोस्तों, इस तरह के पुण्य कार्य आप अपनी राशि अनुसार जरूर करें। लेकिन यदि आपको अपनी राशि नहीं मालूम, तो बिल्कुल भी आप चिंतित ना हो, एक खास उपाय है जो कि सभी के लिए है। तो चहुमुखी विकास और धन का लाभ प्राप्त करने के लिए धरती की सेवा करें, अर्थात वृक्ष लगाएं। तो वृक्ष लगाने से आपको पुण्य जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।